जय श्री कृष्णा राधे राधे आप सभी यूट्यूब के दर्शक सभी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को भारत के इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रिय दर्शकों प्रिय भक्तों आज हमारा देश इकहत्तरवा गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरे देश में खुशहाली है हम सभी उन वीर शहीदों को वीर जवानों को याद कर रहे हैं उन्नीस आज के ही दिन 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिख के हम देशवासियों को दिया और वो संविधान लागू हुआ एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा मन विचार मन में विचार करिए कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता आप तो अपने अंदर विचार करिए मैं अपना विचार आपके समक्ष रखता हूं यदि मैं अनिरुद्धाचार्य यदि हम देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता कुछ विचार आपसे शेयर करना चाहता हूँ शायद आपके हृदय में भी कुछ विचार प्रकट हो आप भी अपने विचार सबको कहिएगा यदि हम देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते यदि मैं अनिरुद्धाचार्य देश का प्रधानमंत्री होता तो आज हमारे देश में सबसे पहले हम अशिक्षा पर वार करते हम जब देश के कोने कोने में जाते हैं और देखते हैं कि भारत में आज भी किसानों से सरकार पच्चीस रुपये किलो चावल खरीदती है बीस रुपये किलो चावल खरीदती है और वही चावल जाकर एक रुपये किलो दो रुपये किलो बांटती है क्यों होता है ये देश में केवल अशिक्षा है नक्सल क्या है अशिक्षा का ही एक नमूना है नक्सल हमारे भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ नक्सल बहुत तेजी से पनप रहा है उन नक्सलवादियों को कम से कम मुद्रा में एक रुपए किलो चावल सरकार देती है हम गरीबों को सपोर्ट ना दिया जाए इसका विरोध नहीं करते हम केवल ये चाहते हैं कि यदि हमारे उन गरीबों को अच्छी शिक्षा मिलती तो शायद वो भी शिक्षित होकर के कमाते और अपने आप को समृद्धवान बनाते किसी पर निर्भर ना रहते हम ये चाहते हैं कि देश का हर नागरिक स्वावलंबी बने और निर्भर किसी पर ना रहे हमें भी सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए जिस देश की पब्लिक सरकार पर निर्भर होती है उस देश का विकास नहीं हो पाता उस देश में तरक्की नहीं हो पाती यदि देश को विकसित करना है तो सबको शिक्षित करना पड़ेगा हर व्यक्ति हर बच्चा हर बेटी हर बालक शिक्षा से ओतप्रोत तो हो पहला ध्यान सरकारों का शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए तेजी से शिक्षा का विकास अभी दिल्ली का चुनाव आप आश्चर्य मानेंगे दिल्ली का चुनाव केवल दो चीजों पर टिका है दिल्ली की पब्लिक पढ़ी लिखी पब्लिक है की की दिल्ली की पब्लिक कह रही है कि जो बिजली फ्री करेगा जो पानी फ्री करेगा जो किसानों का कर्जा माफ करेगा वो सरकार बनाएगा अब देखिए भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है पहले तो इन सबसे ये कहो कि फ्री में क्यों चाहिए कोई भी चीज हमें फ्री में क्यों चाहिए जिस देश की जनता फ्री में खाने की आदि हो जाती है उस देश का कभी विकास हो सकता है स्वयं आप अपने आप से पूछिए हम क्यों फ्री में बिजली जलाएं हम क्यों फ्री में पानी पिए जिस देश में गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां हैं उस देश के आदमी पानी के लिए मर रहे हैं और पानी के मुद्दों पर चुनाव जीते जा रहे हैं विचार करिए भक्तों आज इकहत्तर वर्ष हो गए गणतंत्र दिवस को देश की आजादी को लगभग इकहत्तर साल हो गए आज इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद आज तक भारतीयों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। जिस देश में पवित्र गंगा हो उस देश के लोग पानी के लिए रो रहे हैं ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है सरकारों ने बहुत सारे काम किए मैं सम्मान करता हूं पर एक छोटा सा निवेदन है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले उसके लिए सारी नदियों को शुद्ध करना पड़ेगा बड़ी नदियों को छोटी नदियां जो बरसात के बाद सूख जाती हैं गर्मियों में यदि बड़ी नदियों को छोटी नदियों में डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो नदियां सूखेंगी भी नहीं और पानी का स्तर जो जमीन के बहुत नीचे चला गया है वो ऊपर आएगा पेड़ लगाने की कोई नहीं सोचता जल बचाने की कोई नहीं सोचता बस फ्री में जल मिल जाए फ्री में ऑक्सीजन मिल जाए फ्री में बिजली मिल जाए फ्री में कर्जा माफ हो जाए चुनाव जीत जाएंगे देश के तमाम भक्तों को ये बात समझनी होगी कि फ्री में खाने वाले लोग ना खुद तरक्की कर पाते ना वो देश तरक्की कर पाता इसलिए फ्री में मत खाइए कोई भी चीज फ्री में मत लीजिए सरकार दे रही है सरकार को कहिए हमें फ्री में नहीं लेना हमें शिक्षा दीजिए भारत के हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए यदि शिक्षित हो जाएगा भारत तो फ्री में जो मिल रही है वो सब चीज समझ जाएगा कि फ्री की जरूरत नहीं है हमें समृद्धवान बनना हो विकसित करना हो अपने आप को अपने मुल्क को तो हमें शिक्षित होना जरूरी है हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं मोटा पैसा खर्च करते हैं महीने के पांच हजार रुपए महीने की फीस जाती है बच्चों की दस हजार रुपए महीना बीस हजार रुपये महीने बच्चे की फीस जाती है स्कूलों में क्या शिक्षा इतनी महंगी होती है यदि इतनी महंगी शिक्षा होगी तो एक सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा मैं तो निवेदन करूंगा भारत के उन अच्छे लोगों से आप अच्छा विकल्प रखिए अच्छी शिक्षा दीजिए अच्छी से अच्छी शिक्षा हम भारतीयों को मिले यदि भारत की शिक्षा पद्धति बिगड़ गई तो भारत को बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा जब हमारे देश में अंग्रेज और मुगल आए तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय शिक्षा पर प्रहार किया था भारत की शिक्षा पद्धति को नष्ट किया था यदि भारत की शिक्षा पद्धति बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा किसी भी मुल्क को बिगाड़ना हो उसका नाश करना हो तो आप शिक्षा बिगाड़ दीजिए बिगड़ जाएगा पहले तो भारत के सरकारों की जिम्मेदारी यह है कि वो भारत की शिक्षा निःशुल्क करें सारे बच्चे एक साथ अमीर का हो या गरीब का एक साथ बैठ के एक शिक्षा प्राप्त करें सरकार का ध्यान इस तरफ बढ़े सबको स्वच्छ पानी मिले स्वच्छ हवा मिले इसकी ओर अब ध्यान लगाना चाहिए सरकारों को यदि हम प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहले भारत की शिक्षा फ्री करते अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ेगा कोई भेदभाव नहीं सबके लिए बराबर शिक्षा सबके लिए बराबर जल सबके लिए बराबर बिजली और पूरे देश के लोग यदि आज ये ठान लें कि हमें फ्री का किसान लोग किसानों का मैं सम्मान करता हूं आदर करता हूं पर फ्री में कब तक चलेगा भाई आप दस लाख रुपए बैंक से लेते हैं फिर उम्मीद करते हैं कि सरकार आएगी तो हमारा कर्जा माफ होगा वो दस लाख रुपए किसी को तो चुकाना पड़ेगा आप ना चुकाए सरकार चुकाएगी सरकार कहां से चुकाएगी इसीलिए सरकारें कर्जे में जा रही हैं आपका कर्जा चुका चुका के मत लीजिए ना कर्जा और हम तो कहते हैं सरकार से कि आप सीधा निर्णय दीजिए किसी का भी कर्जा माफ नहीं होगा कर्जा माफ नहीं होगा कर्जा लीजिए हमें मूलधन वापस दीजिए यदि बैंक ने किसानों को एक लाख रुपए दिया तो एक लाख ही वापस लीजिए ब्याज मत लीजिए अच्छा ब्याज नहीं लेंगे तो किसान को थोड़ा रिलीफ मिलेगा किसान को रिलीफ मिलेगा कर्जा माफ कर करके किसानों की आदत बिगाड़ दी आदि हो गए वो हर पांच वर्ष में किसान चिल्लाते हैं कर्जा माफ करो भाई क्यों माफ करें कर्जा कर्जा माफ ना किया जाए हाँ सरकार जो ब्याज लेती है वो ब्याज कम कर दे किसानों के लिए कोई ब्याज ना हो एक लाख रुपए किसान ने लिया तो एक लाख रुपए किसान वापिस करे तो किसान का भी काम नहीं बिगड़ेगा सरकारों का भी काम नहीं बिगड़ेगा आर्थिक रूप से हमारे देश को मजबूत होना चाहिए यदि आर्थिक रूप से हम कमजोर हो गए तो कैसे विकास कर लेंगे तो इसकी जिम्मेदारी सारी पब्लिक की है हम 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का धर्म है कि हम सरकार को मजबूत करें आर्थिक रूप से मजबूत करें सरकार का सहयोग करें जिद ना करें कि हमें फ्री में पानी चाहिए हमें फ्री में बिजली चाहिए फ्री का झंझट फ्री का रोना छोड़ दीजिए क्यों फ्री में चाहिए भाई हम कमा क्यों रहे हैं देश कैसे फ्री में चलेगा देश मेरी तमाम बहन भाइयों से देश के तमाम भक्तों से प्रार्थना है कि आप फ्री में कुछ ना लीजिए मेहनत करने वाले लोग फ्री में कुछ नहीं चाहते हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमारी मेहनत का सब कुछ है हम मेहनत करें जो हमें मुकाम हासिल करना हम मेहनत से करें तो भारत की सरकारों से मेरी प्रार्थना है कि पहली तो शिक्षा समान हो पानी सबको बराबर मिले बिजली सबको बराबर मिले आज सौर पैनल है जो सूर्य के प्रकाश से बिजलियां बन रही हैं उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए कि सब लोग अपने छत पे बढ़िया सा सौर पैनल लगवाएं और सूर्य की किरण से जो बिजली उत्पन्न होती है उसका लाभ लें बिजली का बिल अपने आप कम हो जाएगा जागरूक करिए जागरूक करना जरूरी है भारत का व्यक्ति पढ़ा लिखा भी जागरूक नहीं है जो समझदार हैं वो भी सीएए का विरोध कर रहे हैं इनको पता ही नहीं कि ये क्या है भाई हम भारत के नागरिक हैं यदि हमसे कोई कहे कि आप आधार कार्ड और अपना परिचय पत्र दीजिए तो हम देने में हिचकिचाएंगे नहीं देंगे लीजिए देखिए हमारा आधार कार्ड है हमारा परिचय पत्र है खूब लीजिए देखिए आप प्रेम से हम भारत के हैं अब इतने दंगे हो गए इतने घर जल गए इतनी गाड़ियां जल गई पुलिस थानों पे आग लगा दी ये क्या है नुकसान तो सरकार का ही हो रहा है ना क्यों किसी का नुकसान किसी की गाड़ी पे क्यों आग लगाओ क्यों किसी का नुकसान करो भाई नुकसान करना है तो आप अपने देश में जाके नुकसान करिए वहां से भाग के भारत में आए अब भारत क्यों आपको एक्सेप्ट करेगा यदि आप प्यार से रहते तो भी सोचा जाता पर ऐसे उपद्रवियों को थोड़ा भारत में जगह मिलेगी किसी का आप भी समर्थन करें और उन मूर्खों को बताएं जो इसका विरोध कर रहे हैं इसका सही अर्थ क्या है, है? सबके लिए समान शिक्षा हो अमीर गरीब सब बराबर जल बिजली सबके लिए बराबर हो हाँ जल और बिजली के लिए चुनाव ना जीते जाए ना लड़े जाए मुद्दे विकास के होने चाहिए शिक्षा के होने चाहिए ऊपर उठिए ऊपर उठ के सोचिए देश को ऊपर से देखिए कि इस देश को किस चीज की जरूरत है भाईचारे की जरूरत है आज हमारा हिंदुस्तान तरक्की नहीं किया इसमें एक सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि हम बट गए ब्राह्मण अलग छत्री अलग वैश्य अलग शूद्र अलग दलित वर्ग अलग क्यों हम संगठित क्यों ना रहे सरकारों को कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जातिवाद समाप्त हो छुआ छूत समाप्त तो हो जैसे देश में जातिवाद है और छुआ छूत है वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा यदि हम देश के प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहले जातिवाद और छुआ छूत पर प्रहार करते और सारे लोगों को शिक्षा देकर उन्हें उच्च शिखर में ले जाते आपको पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं जय श्री कृष्णा राधे राधे